थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम वाट इज सस्टेनेबल डिवलपमेंट डिवेलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एन एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स मतलब रिसोसिस का इस तरह इस्तेमाल करा जाए कि प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड फुलफिल्ड हो जाए और आने वाले जनरेशन की भी जो नीड्स हैं वो हम कम्प्लीटली फुलफिल कर पाएँ फोर्थ क्वेश्चन वाट आर एस टी जीज एस टी जीज की फुलफॉर्म क्या होती है सस्टेनेबल डिवलपमेंट गोल्स इसमें हम एस्टिस् से क्या समझते हैं तो पहला क्या है एक्शन टू एंड पॉवर्टी मेन गोल क्या है कि हम पॉवर्टी एंड करें सेकेंड गोल क्या है प्रोटेक्ट द द्लानट दैट इंश्योर ऑल पीपल इन्जॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तो मेन चीज़ है पॉवर्टी एंड करनी है जिससे अपनी लाइवलीहुड मेंटेन रहे लोगों की हायर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और प्लानट को प्र प्र प्रोटेक्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसमें सर्वाइवल इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपका प्लानट लिवेबल नहीं है या हैबिटेबल नहीं है तो सबसे पहले अपना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है उसके साथ प्लैनेट को भी क्लीन रखना है जिससे वो हैबिटेबल रहे तो ये मेन बेसिक ब्रॉडलाइन है, है एच की वट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कई बार हमने सुना है कि ऑर्गेनिक एग्स मिलते हैं मार्केट्स में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से मतलब क्या है फार्मिंग दैट यूजेस नो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मतलब जो भी फूड दिया जा रहा है या क्रॉप्स उगाई जा रही हैं उसमें कोई भी केमिकल का और पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं है मान लीजिए अगर हमें आ, एग मिले हैं जो हेन से मिलते हैं तो वहाँ पर हम जो भी फूड दे रहे हैं उसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा प्योर ऑर्गेनिक फूड होगा प्योर नेचुरल फूड होगा दैट इज वॉट वी मेंट बाय वॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग नेक्स्ट है नेम टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विच इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऐड होता है इन्वायरमेंट पे उसे पोल्यूशन बोलते हैं दो मेन कैटेगरी कौन सी है पोल्यूशन की एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ठीक है तो यहाँ तक हमारे सिक्स क्वेश्चन पूरे हो गए विल कंटिन्यू विद सेवन टू टेन क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग